गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं नंदन सिंह, आज फिर दूसरे टेस्ट के साथ। जैसा कि हमने पहला टेस्ट किया था, आज फिर एक दूसरा शानदार सेट के साथ मैं आपके सामने हूँ। इस सेट में भी 15 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के और 5 क्वेश्चन का इंटरफेस के। आज का कट ऑफ रहेगा 13 नंबर, और आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में डालें और इस सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट 2, और इसी के साथ जो है हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द टर्म रेगुर रेफर्स टू, यानी रेगुर शब्द से आप क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन है रेड सॉइल, दूसरा ऑप्शन है खादर, तीसरा ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, चौथा ऑप्शन है भांगर। तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट में डालें, अपने आंसर को पोस्ट कीजिए। तो रेगुर का मतलब होता है ब्लैक सॉइल, यानी रेगुर जो है ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम है। ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा। आपको पता है काली मृदा ब्लैक सॉइल कॉटन खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। चलिए फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए पढ़िए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओजोन लेयर इज फाउंड एट विच स्ट्राटा ऑफ एटमोस्फेयर, यानी एटमोस्फेयर के किस सतह पे ओजोन लेयर पाया जाता है। पहला ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है आयोनोस्फेयर, तीसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, चौथा है एक्सोस्फेयर। तो जल्दी से आंसर बताएं आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डालें, सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। तो ओजोन लेयर जो है हमारा, ओजोन लेयर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर पे। कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर पे। इसे ही बोलते हैं समताप मंडल। जैसा कि आपको पता है हमारे अर्थ के चारों तरफ ओजोन नाम का एक लेयर है, ओ3 बोलते हैं इसे, जो हमारे अर्थ को जो है एटमोस्फेयर को जो है बचाती है स्पेस से आने वाले हार्मफुल किरणों से। लेकिन जो है कुछ सालों में इसमें एक होल हो गया है, जिसकी वजह से वो खतरनाक किरणें पृथ्वी में पहुंचनी स्टार्ट हुई हैं, जिसका मेन कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC फैमिली जो है ये रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लीशन के लिए। और ये कहाँ से निकलता है? तो AC या जो है फ्रीज, ये सब जो गैसें हैं उनसे निकलने वाली गैसें से जो है हमारे ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोपला रिबेलियन ब्रोक आउट इन, यानी मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है नेलोर, दूसरा ऑप्शन है विजयनगर, तीसरा ऑप्शन है कुरनूल, चौथा ऑप्शन है मालाबार। तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालें, यानी मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। देखिए मोपला विद्रोह जो है, मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था। 1921 में यह विद्रोह हुआ था। यह मुख्यतः जो है मुस्लिम किसानों के द्वारा हुआ था, जमींदारों के जो है विरोध का ये में जो है ये विद्रोह किया गया था, और इसका सेंटर था मालाबार केरल। चलिए बहुत सही, अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल है, द एंटिटी टू कंट्रोल कैपिटल मार्केट, यानी कैपिटल मार्केट को इनमें से कौन सी संस्था नियंत्रित करती है। पहला ऑप्शन है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, चौथा ऑप्शन है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जल्दी से आप अपना आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। देखिए कैपिटल मार्केट की हम बात करें तो ये कंट्रोल किया जाता है सेबी के द्वारा। सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में है। RBI जो है ये जो है मनी मार्केट को कंट्रोल करती है। नाबार्ड जो है ये रूरल बैंकिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो है ये अपेक्स बॉडी है, जबकि IRDA इंश्योरेंस सेक्टर को जो है गवर्न करने वाली संस्था है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, उम्मीद है आप अच्छा कर रहे होंगे, अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है एक दूसरे से भिन्न है। ऑप्शन है पहला ट्रिप्सिन, दूसरा है टाइलिन, तीसरा है आपका पेप्सिन, चौथा है इंसुलिन। जल्दी से इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। देखिए इसका आंसर होगा इंसुलिन। ये बाकी के तीनों जो है डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि पाचन में मदद करते हैं, जबकि चौथा इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है। इंसुलिन का सेक्रेशन जो है पैनक्रियास के बीटा सेल से होता है,
जबकि ट्रिप्सिन जो है इंटेस्टाइन में निकलता है, ट्रिप्सिन का काम जो है प्रोटीन का अमीनो एसिड में बदलता है, टाइलिन जो है माउथ में निकलने वाला एंजाइम है जो सलीवा में होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज में तो होता है, क्योंकि पेप्सिन जो है हमारे गैस्ट्रिक जूस स्टोमक में निकलता है जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड और पेप्टॉन्स में तोड़ता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, अगला सवाल है और जल्दी से अपने फटाक से आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए। अगला सवाल है, एन इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की नाउ कॉल्ड आईआईटी रुड़की एस्टैब्लिश्ड अंडर रिजाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल, यानी सवाल है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक अभियंत्रण कॉलेज की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, चौथा ऑप्शन है चार्ल्स मेटकाफ। जल्दी से आंसर बताएं, अपने आंसर कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप जानते हैं, इनका सबसे ज्यादा जो है कंट्रोवर्शियल जो इनका जो रूल था, जो इनका लॉ था, वो था डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, जिसे बोलते हैं हड़प की नीति। लेकिन इन्होंने कुछ अच्छा भी जो है, इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, जैसे इन्हीं के कार्यकाल में रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विसेज की शुरुआत हुई। इन्होंने जो है विधवा पुनः विवाह के लिए भी इन्होंने काम किया, विडोज मैरिज के लिए। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए जल्दी से आंसर दीजिए। अगला सवाल है हमारा, टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज प्रेजेंटली इन इंडिया, यानी भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 7, तीसरा 8, चौथा 9। जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो अगर हम देखें तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। देखिए पहले भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने से 9 हो गए, जबकि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर 1 कर दिया गया, तो कुल संख्या अभी हो गई 8। यानी भारत में भी राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। चलिए बहुत ही जो है अच्छा कर रहे हैं आप लोग, अपने आंसर को ऐसे ही पोस्ट करते रहिए कमेंट सेक्शन में। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल है, इनवॉलेंटरी एक्शन लाइक कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी जो है मस्तिष्क के किस हिस्से के द्वारा कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग यानी खांसना, छींकना या उल्टी की टेंडेंसी किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, किस ब्रेन के हिस्से के द्वारा। तो पहला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, दूसरा है सेरेबेलम, तीसरा है मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, चौथा है सेरेब्रम। जल्दी से इसका आंसर बताएं, आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में डालें, जल्दी से फटाक से डालें। इसका आंसर होगा मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। इसका ऑप्शन क्या होगा, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। यानी जो है इनवॉलेंट्री एक्शन वैसे एक्शन जो है एक्शन करते हैं जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जबकि हाइपोथैलेमस जो है ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है भूख प्यास, ये जो है इमोशंस का, हम जो है खुश होते हैं, दुखी होते हैं, ये सब हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। जबकि सेरेबेलम जो है हमारे मस्कुलर, हमारे मूवमेंट को जो है मस्कुलर और मूवमेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जबकि सेरेब्रम जो है ये हमारे सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, जैसे देखना, सुनना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट इज चार्ज फ्रॉम, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है तनख्वाह, उनके वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत सरकार की संचित निधि, दूसरा ऑप्शन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य सरकार की संचित निधि, तीसरा ऑप्शन है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत सरकार की आकस्मिक निधि, चौथा है कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, राज्य सरकार की आकस्मिक निधि। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यानी जजेज ऑफ हाई कोर्ट जो है उनके सैलरी अलाउंस दी जाती है राज्य सरकार के संचित निधि से, जबकि उनका पेंशन दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। चलिए अगले सवाल चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला सवाल जल्दी से पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर पॉल्यूशन इन रिवर इज मेजर्ड बाय डिसॉल्व अमाउंट ऑफ, यानी जो है नदी में जो है जल प्रदूषण को किस पैमाने से नापा जाता है, किस से जो है मेजर किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा है सोलबुल साल्ट,
चौथा है नाइट्रोजन। तो जल्दी से इसका आंसर दें। देखिए नदियों में जो है आज देख रहे हैं कि जो है नदियों को साफ करने के लिए जो है नमामि गंगे नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि जो है प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक हो गया है। नदियों के प्रदूषण के स्तर को उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के अमाउंट से निकाला जाता है, इसे ही बोला जाता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर किसी भी जो है शुद्ध जल की आप बात करें तो उसका BOD 5 PPM से कम होना चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है करेंट अफेयर सेक्शन, यानी पास क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के हैं। तो जो है करंट अफेयर्स का पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर नॉट कन्फर्ड विद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, यानी जो है राष्ट्रीय खेल जो है अवार्ड 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न इनमें से किन्हें नहीं दिया गया। पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, दूसरा ऑप्शन है मनिका बत्रा, तीसरा ऑप्शन है मरियप्पन थंगावेलु, चौथा ऑप्शन है शशि मलिक। तो इसका आंसर जल्दी से बताएं, कमेंट सेक्शन में डालें। इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा शशि मलिक। यानी शशि मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया, जबकि रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस के लिए और मरियप्पन थंगावेलु एक पैरा एथलीट हैं, इनके लिए इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल वन अरेंज्ड मर्डर, यानी वन अरेंज्ड मर्डर नाम के पुस्तक का जो है लेखक कौन है, यानी इस पुस्तक को किसने लिखा है। पहला ऑप्शन है अरुंधति रॉय, दूसरा ऑप्शन है चेतन भगत, तीसरा ऑप्शन है अमिताभ घोष और चौथा ऑप्शन है विक्रम सेठ। जल्दी से अपने ऑप्शन को जो है आंसर कमेंट सेक्शन में डालें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, इसका आंसर होगा चेतन भगत। चेतन भगत जो है एक बहुत ही जो है प्रसिद्ध लेखक हैं, ये IIT IIM एलुमनी भी रहे हैं, इन्होंने बहुत ही जो है अच्छी किताबें लिखी हैं, जैसे 3 Idiots और भी बहुत सारी किताबें हैं, तो जो है एक अच्छे लेखक हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंदिरा रसोई योजना टू प्रोवाइड मिल एट ₹8, यानी किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना नाम से एक स्कीम निकाली गई है जिसमें मात्र ₹8 में जो है भोजन कराया जाएगा। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। जल्दी से अपने आंसर को कीजिए, ऑप्शन को जो है आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालिए। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान ने यह स्कीम निकाला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत और वहां गवर्नर है कलराज मिश्रा। चलिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग। इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which IIT has developed the e-classroom software named Dikshak? Dikshak नाम से किस IIT के द्वारा एक क्लासरूम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT पटना, IIT रोपर। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में डालें। इसका आंसर होगा IIT खड़गपुर। इसका आंसर होगा IIT खड़गपुर। यानी IIT खड़गपुर ने दीक्षक नाम का एक ही क्लासरूम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिससे जो है इंटरनेट के माध्यम से जो है क्लासेस दी जाएंगी। आपको पता होगा अभी हाल ही में IIT रैंकिंग में IIT मद्रास सबसे अव्वल नंबर पे है, पहले नंबर पे। और आज का अंतिम सवाल, लास्ट क्वेश्चन आज का है, PM मोदी अनाउंस 10-year लॉन्ग प्रोजेक्ट टू कंजर्व विच एनिमल, प्रधानमंत्री ने जो है किस जो है जानवर के संरक्षण के लिए जो है 10 साल के एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है इंडियन टाइगर, दूसरा है गैनेटिक डॉल्फिन, तीसरा वनहन हॉर्न राइनो और चौथा है रेड पांडा। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इसका जो है इन्होंने जो है ऐलान किया था। देखिए इसका आंसर होगा गैंडेटिक डॉल्फिन, यानी जो है गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन। ये जो है बहुत तेजी से इसकी संख्या कम हो रही है, ये विलुप्त होता हुआ जो है एक्वाटिक एनिमल है। चलिए अब जो है आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो है आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा और इसी के साथ जो है एक नए सेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। आप अच्छे से परफॉर्म जो है अपनी तैयारी को बरकरार रखिए।
और इस सेशन को शेयर करना अधिक से अधिक न भूलें, लोगों जो है अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में डालें, और जो है हम अगले सेट के साथ फिर से जो है आएंगे आपके सामने, और आपको लगता है कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए तो आप अपने जो है सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तब तक के लिए खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए और कोरोना को हल्के में मत लीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।